हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी अपने यूट्यूब चैनल राठौर गेमिंग के अंदर। जैसा कि दोस्तों ब्लू स्टॉक का बिल्कुल 0% लैग का सेटिंग हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप पीसी के लिए आए तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपका 0% लैग फिक्स कर सकते हैं हम लोग बीजीएमआई के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बीजीएमआई में काफ़ी बंदों को जो इशूज़ आ रहे हैं कि जैसे कि बंदे रेंडरिंग नहीं होते, वैसे चस बुस से करते, यानी कि जैसे कि कभी बंदा दिखता है कभी गायब हो जाता है, वो इशू सबसे ज़्यादा आ रहा है भाई। उसके लिए हम लोग आपको बताने वाले सेटिंग इसके अंदर क्या ही आपको करना पड़ेगा। एमुलेटर का पूरा सेटिंग करना पड़ता है गाइस उसके लिए। हैज आपका अगर पीसी स्लो है कोई दिक्कत ना, अगर थोड़ा बहुत फास्ट है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग करते हैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम एंड डालते रहते हैं वीडियो वगैरह। हमने बीजीएमआई कर लिया, एक्सेस एमुलेटर का इंस्टॉल कैसे करना है, की मैपिंग वगैरह, की मैपिंग का एक और वीडियो डालने वाला हूं मैं, अपडेट होगा उसके अंदर, ताकि की मैपिंग आपका और भी अच्छे से हो जाए। पिछले वाले में थोड़ी सी बहुत कमी वगैरह रही, वो हमने पूरी कर ली है। ये हम इसके लिए बता रहे हैं एक्स्ट्रा, जब तक हमारा पीसी स्टार्ट हो रहा, मतलब एमुलेटर जो स्टार्ट हो रहा है, तब इसलिए हमको बता रहे। जैसे कि हमारा हो जाता है स्टार्ट, नवा एंट्री में पहन लेते हैं, पहले तो कपड़े नंगा ठीक नहीं है बंदा। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, देखो सेटिंग के अंदर जाते हैं। सेटिंग के अंदर सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आपका पीसी में 4 कोर का है या कितने कोर का है, कोर आपको सेलेक्ट कर लेना, 4 का है 2 का है। कोर कहाँ से देखे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा, बट एक मिनट, आप यहाँ पे 4 कोर को सेलेक्ट कर ही लीजिएगा। मेमोरी इंस्टॉलेशन 4 GB रैम मांगता आपका कि 4 GB यूज़ करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद देखो ऑप्शन है, इनेबल हाई फ्रेम रेट बंद रखो, और ये दोनों ऑप्शन जो FPS का ये, इसके ऑन रख लो। FPS आप अगर देखना चाहते हो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन दोनों को ऑन रखो तो ठीक है। मेन बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डिस्प्ले जितना होता है उतना DPI आपका 320 के आसपास, या आपके मोबाइल के हिसाब से मीडियम या लो आप रखना चाहते हो वो रख लीजिएगा। अब बात है ग्राफिक की, इसके अंदर मेन जो आपका जो रेंडरिंग का इशू वो यहाँ से सेट होगा गाइज। जैसे कि आपको परफॉर्मेंस पे करोगे तो रेंडरिंग ग्लिच हो जाता है ठीक, अगर इस पे करोगे तो रेंडरिंग ग्लिच रहेगा भाई। इसके अंदर काफ़ी बंदे चस बुझ करेंगे और लैग बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ परफॉर्मेंस पे रखना है। दूसरी बात ग्राफिक रेंडर, ये डायरेक्ट एक्स पे रखोगे तो इसमें, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट एक्स करोगे तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट एक्स करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका गेम क्रैश होगा, बार बार गेम के बीच में बहुत ज़्यादा क्रैश होगा और नहीं चलेगा अच्छे से, लैग फिक्स नहीं चलेगा। इसलिए ओपन GL क्रिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दो चीज़ आपको सेट करनी है। एक परफॉर्मेंस, जिससे कि आपका चस्बुझ ना हो बंदा, अच्छे से रेंडर हो गेम प्ले, कोई लैग नहीं होगा। OpenGL Plus में इसका ये सेटिंग रहना चाहिए, और यहाँ पे हार्डवेयर डिकोडिंग होना चाहिए, ताकि आपका मतलब कौन सा PC, मतलब आपके पास कौन सा GPU है, GPU के साथ खेलिए यहाँ पे और उसको सेव कर दीजिए। जब भी आप कोई भी सेटिंग कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई भी सेटिंग चेंज कर सेव करके रिस्टार्ट मांगेगा एमुलेटर, कम से कम 4 से 5 बार रिस्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। हर बार जैसे यहाँ पे सेटिंग किया, रिस्टार्ट मांग रहा, रिस्टार्ट कर दीजिए, यहाँ पे रिस्टार्ट मांगता है रिस्टार्ट कर दीजिएगा, रिस्टार्ट मांगेगा यहाँ पे फिर से सेटिंग करेगा तो फिर से रिस्टार्ट मांगेगा कर दीजिएगा। फिर यह परफॉर्मेंस पे आ जाइए, हेलो ब्लू स्टॉक टू कॉन्टैक्ट विद डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन है जैसे कि हैशटैग जो हमने सेटिंग करके, वो हैशटैग आपको कॉपी कर लेना। यहाँ पे आपको देखो मेन चीज़ ये है, आप कौन सा फ़ोन के इसके अंदर मॉडल दे, आप कौन से फ़ोन में खेलना, सबसे बढ़िया फोन भैया के ना ROG 2 स्पेशल गेमिंग का फ़ोन है गाइस, गेमिंग का, समझ रहे हो ना, गेमिंग, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। नेटवर्क जहाँ तक हो सकता है आप कौन सा यूज़ कर रहे हो उसी का सेलेक्ट करें। मैं एयरटेल का फाइबर है मेरे पास, तो मैं एयरटेल का यूज़ करता हूँ, इसके अंदर नेटवर्क का बहुत ही अच्छा मेरे को देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया। दूसरी बात आ जाओ एडवांस में, तीनों ऑप्शन बंद कर रखे हैं मैंने, तीनों ऑप्शन बंद ही रखना, क्योंकि इसमें आपको जब भी आप फीडबैक 4 टैप्स है, आप इसे जहाँ पे भी आपका माउस ऐसे घुमाओगे वहाँ पे टैप का ऑप्शन आएगा। अगर आपको पता नहीं है कैसा सीन होता है तो वो सीन आपको देख सकते हो हमारे BGMI फर्स्ट गेम प्ले में, हमने इसको ऑन रखा तो देख लेना। इस पर रेंडरिंग ग्लिच इसमें भी है, देख सकते हो, बाकी हमारी स्ट्रीम पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई रेंडरिंग ग्लिच नहीं देखने को मिलेगा आपको। आ जाते हैं अबाउट के बारे में, अबाउट के बारे में कुछ बताना ही नहीं है, चेक फॉर अपडेट करते रहे आकर, जब भी कोई अपडेट आए तो यहाँ का सेटिंग हो गया कंप्लीट। अभी गेम के अंदर देख लो, सेटिंग में जाते हो, ग्राफिक देख लो, स्मूथ और एक्सट्रीम, इसका बारे में आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो कोई बात ना, देख लो इसको भी कर लो। और यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा जितना चाहो देख लेना, और इसका सेंसी का भी वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। सेंसिविटी इसका सबसे ज़्यादा अलग है। जी हाँ दोस्तों, ब्लू स्टॉक का बहुत अलग है, गेम लूप से तो बहुत ही दिन और रात का फर्क है भाई, सेंसी बहुत ज़्यादा बंदों को इशू दे रही है। तो इसलिए लैग फिक्स का वीडियो अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी इसमें हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब देना, काफ़ी बंदे सब्सक्राइब नहीं करे, प्लीज़ यार ROG 2K 6K इस वीडियो में कम से कम 6K सब्सक्राइब तो जाने ही चाहिए गाइज। ओके गाइज, बब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो और अपना गेम प्ले देखने के लिए आइए लाइव स्ट्रीम पे यार, कोई भी क्वेश्चन हो तो स्ट्रीम पे आके मिलिएगा। बब बाय।